दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। दोस्तों ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको दिखाएंगे पैनासोनिक एसी का पावर कंजम्पशन कि कितना बिजली ये एसी जो है वो खाती है, ठीक है, अलग अलग डिग्री सेल्सियस पे कितना बिजली ये कंज्यूम करती है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेबलाइजर है वो ऑन है और आधे स्टेज में चेक करेंगे हमारा जो एसी कितना पावर कंज्यूम करता है, मतलब कि खाली स्टेट में जब इस पे कोई भी लोड नहीं है, सिर्फ स्टेबलाइजर का लोड है, तब ये स्टेबलाइजर का जो लोड है वो कितना आता है, कितना पावर स्टेबलाइजर लेता है। अगर हम स्टेबलाइजर को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि ये वाईफाई एसी है तो हम इसको जस्ट ऑफ करके रख देते हैं, इसको स्विच ऑफ वहां से नहीं करते हैं, जिससे कि जैसे हम कहीं से भी इसको ऑन कर सकें। तो उस स्टेट में जब स्टेबलाइजर चल रहा हो तब ये कितना पावर कंज्यूम करता है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे कितना यूनिट बिजली जो है हमारी कंज्यूम हो रही है। तो हम सभी जानते हैं कि पावर की जो यूनिट होती है वो वाट होती है, वाट में हम निकालते हैं कि कितनी पावर हमारा जो अप्लायंस है, हमारा जो एसी है वो खा रहा है, ठीक है। तो पावर की यूनिट वाट होती है और एक यूनिट बराबर जो होता है, जो बिजली की यूनिट होती है, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। यानी कि अगर 1 किलोवाट का लोड जो है वो 1 घंटे तक चलेगा तो 1 यूनिट बिजली जो खर्चा होगी, यानी कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के। तो जान लीजिए अगर आपका एसी 1000 वाट पावर ले रहा है और वो 1 घंटे तक चलता है तो आपकी 1 यूनिट बिजली जो है वो खर्च होगी। अगर 10 घंटे तक चलता है तो 10 यूनिट खर्च होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम यूनिट फाइंड करते हैं। दोस्तों हमारा जो स्टेबलाइजर है वो कनेक्टेड है और हमारा जो एसी है वो वाईफाई से कनेक्टेड है, स्टैंड बाई मोड पे है, ऑन नहीं है और सिर्फ स्टेबलाइजर वर्क कर रहा है। तो स्टेबलाइजर कितना पावर लेता है जब स्टैंड बाई मोड पे रहता है हम इसको चेक करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो पावर कंज्यूम्पशन है वो है 14.9 वाट, लगभग 15.3 वाट जो है यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो लगभग 15 से 20 वाट तक ये कंज्यूम करता है, कभी कभी ये 10 वाट भी आ जाता है, कुछ देर आप इसको आइडल मोड पे छोड़ दिए तो ये 15 से नीचे भी अब देख सकते हैं 10.5 9.9 तक आ गया है, ठीक है। कुछ देर छोड़ने के बाद जो है ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इस एसी को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर हम येलो बटन जो है वो प्रेस करेंगे और एसी को ऑन करते हैं। तो एसी ऑन हो चुका है, 26 डिग्री टेम्परेचर पे इसको हमने ऑन किया है। तो अब देखिए धीरे धीरे पावर कंजम्पशन जो है वो बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 268 इस समय हो गया, 392, 535, 636, 752.7, उसके बाद 764.5, 757.9। तो धीरे धीरे कंप्रेसर जब अपनी फुल स्पीड पकड़ता है तो इसका पावर जो कंजम्पशन जो है बढ़ता जाता है। तो देखते हैं कहाँ तक जाता है, कुछ देर वेट करते हैं। पावर बढ़ना स्टार्ट हो गई, 968 वाट तक पहुंच गया है, इस समय 1152 है, 1152.9। तो ये इस समय का मैक्सिमम 1186 हो चुका है, तो 1200 तक भी पहुंच गया है। देखते हैं कहां तक जाता है ये। इसका जो वॉट है 1402 इस समय दिखा रहा है। तो देखते हैं मैक्सिमम कहां तक पहुंचता है, इसमें 1500 के आसपास है, 1515। ये 26 डिग्री टेम्परेचर पर ही काम कर रहा है इस समय, फिर 1500 से कम हो गया, अब कम होता जा रहा है, 1500 के आसपास पहुंचा था 1515, अब फिर से ये धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका जो कंप्रेसर है अपने आप को एडजस्ट करता रहता है और हाई पावर कंजम्पशन लो पावर कंजम्पशन के बीच में स्विच करता रहता है। तो अभी 26 डिग्री टेम्परेचर पे ये जो चल रहा है
ठीक है। अब दोस्तों हम इसको करते हैं पावरफुल मोड पे, पावरफुल मोड देखते हैं क्या कैसे काम करता है। पावरफुल मोड हमने ऑन कर दिया है, अब देखते हैं कि पावर कंजम्पशन बढ़ता है या घटता है। नॉर्मल मोड था अभी तक, अब हो गया पावरफुल मोड, जहाँ तक बढ़ना ही है। देख सकते हैं कि 1515.9 तक पहुँच गया है, 1526 तक पहुँचा है। जो आपको किट किट का साउंड आ रहा है वो एसी के अंदर से ही आ रहा है, एसी का ब्लोअर जो है वो मुझे लगता है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं इसको जो इंजीनियर हैं उनको कॉल करके कस्टमर केयर से बात करके इसको ठीक करवाऊंगा। 66 तो अभी तो 1566 मैक्सिमम गया है, कुछ देर और चला के देखते हैं, हो सकता है वेरिएशन हो यहाँ पर। तो दोस्तों ये 81 तक अभी तक गया था। अब इसको क्या करते हैं कि हम नॉर्मल मोड में ले आते हैं, ठीक है, पावरफुल मोड बंद कर देते हैं, तो देखते हैं कितना वेरिएशन होता है। तो धीरे धीरे देखते हैं, अब तुरंत ही जो वोल्टेज है वो चेंज हो गया है, अब करीब 1200 के आसपास पहुंच चुका है, थोड़ा रूम जो है वो ठंडा भी हो चुका है, तो इसका जो इन्वर्टर कंप्रेसर है वो अपनी पावर कम कर देगा, लो पावर पर काम करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी 1100 के आसपास आ चुके हैं, अब 1000 के आसपास आ चुके हैं। तो ये था दोस्तों नॉर्मल मोड पे। अब इसको हम जो 26 डिग्री है इसका जो पावर है वो कम करते हैं, इसको ले आते हैं 16 डिग्री पे, क्योंकि इसकी जो यूजर मैनुअल है उसमें लिखा हुआ है कि 16 डिग्री टेम्परेचर पे ये अपनी फुल कैपेसिटी में वर्क करता है। तो देखते हैं कितना पावर इंक्रीज होता है, इंक्रीज काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, 1400 के आसपास पहुंच गया है, फिर 1519, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है पावर कंजम्पशन, 1544, 1562, 66, 64, 59, तो ये भी करीब वही 1600 के आसपास ही रहेगा, 1600 से ऊपर नहीं जा रहा है, और पावरफुल मोड पे भी 1600 से ऊपर नहीं जा रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि फुल कैपेसिटी पे यानी 16 डिग्री सेल्सियस पे भी चलाएंगे तो 1600 वाट से ऊपर इसका जो वोल्टेज है वो नहीं जाएगा। तो चलिए दूसरे मोड पे हम चेक करते हैं। अब इसकी एक काम करते हैं, इसका मोड अलग अलग चेक करते हैं, अभी कूल मोड पे है, अब इसको ड्राई मोड पे चेक करते हैं। तो ड्राई मोड पे कितना पावर लेता है, ड्राई मोड पे 26 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया ऑटोमेटिकली, और इसका पावर कंजम्पशन हम देख लेते हैं। तो अभी कम हुआ है, 1240 हो गया है, 1147 हो गया है, 738 हो गया है, 678 हो गया है, तो अब इसको 700 वाट के आसपास पहुंच गया, इसका जो वोल्टेज है पावर कंजम्पशन जो है 700 वाट तक पहुंच गया है, तो इसका मतलब ड्राई मोड पर कम पावर लेता है। तो 700 के आसपास ये यहाँ पर रन कर रहा है हमारा एसी ड्राई मोड पे। तो अब हम इसका मोड जो है वो चेंज करते हैं, अब मोड ले आते हैं फैन मोड पे। मैंने सबसे अच्छा रिजल्ट ये निकलेगा कि जो लोग सोचते हैं कि फैन जो हम एसी का फैन चलाएंगे ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा, तो हम देखते हैं कि कितना पावर कंज्यूम होता है फैन मोड पे। तो आप देख सकते हैं 104.8 अभी दिखा रहा है, तो धीरे धीरे कम होगा, थोड़ा सा हम वेट करते हैं, क्योंकि जो कंप्रेसर है वो धीरे धीरे बंद होता है पीछे, तो यहाँ पर आपको पावर कंजम्पशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो अभी 105 के आसपास है, अभी देखते रहिए, हो सकता है कुछ कम हो। अभी 79 के आसपास पहुँच गया, 43 के आसपास पहुँच गया है, ठीक है। तो अब फैन मोड पर रन कर रहा है, ये काफ़ी कम पावर ले रहा है, और फैन स्पीड जो है वो ऑटो है, तो इसको हम फैन स्पीड जो है वो फुल कर देते हैं। ये क्वाइट पे है, तो क्वाइट पे देखते हैं कितना पावर लेता है क्वाइट मोड पे। क्वाइट मोड मतलब फैन का जो ब्लोअर है बहुत ही धीमा चलेगा, वेरी स्लो,
एक ब्रीच टाइप आपको मिलेगी, तो 25.6 वाट तक पहुंच चुका है। हाँ, तो 25 से 30 के बीच में ये लेगा क्वाइट मोड पे, मुझे लग रहा है। ठीक है, अब हम फैन स्पीड ऑन रखते हैं, तब देखते हैं। तो वही है लगभग 28-30 के आसपास, फैन स्पीड 3 हो गई अभी। तब भी वही है लगभग 30 के आसपास ही है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब फैन स्पीड जो है वो फुल हो गई है, अब देखते हैं कि कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। इसकी 5 स्पीड है फैन की, तो अभी फुल स्पीड पे ये है, तो लगभग 40 के आसपास ही हो गया है। अब देखते हैं क्या 50 पार करता है ये। 42.7 हो गया, 42.3 हो गया, 44 हो गया, तो लगभग 40 से 50 के बीच में ये अगर फुल फैन स्पीड पे आप इसको रन करेंगे तो आपका एसी उतना पावर लेगा। ठीक है, तो आपका जो सीलिंग फैन है, नॉर्मल सीलिंग फैन जो यूज़ करते हैं, वो भी 50 वाट से 70 वाट के बीच में लेता है। अगर BLDC यूज़ कर रहे हैं तो 28 वाट लेगा, नहीं तो आपको 50 से 80 वाट के बीच में ये कंज्यूम करता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये फुल स्पीड में लगभग 45 के आसपास जो है वो वोल्टेज ले रहा है। तो आप अपना एसी जो है फैन की तरह यूज़ कर सकते हैं बिना घबराए हुए कि हाँ भैया बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। नहीं आएगा बिल, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर 45 वाट तक ही ले रहा है। ठीक है, तो आप इजली निश्चिंत हो गए, अपना जो एसी है उसको फैन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब फैन मोड हो गया है, अब आते हैं ऑटो मोड पे। तो ऑटो मोड में एसी जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस पे रन करता है टेम्परेचर को सेंस करके। तो देखते हैं कि क्या इसमें इंक्रीज होता है, ऑटो मोड पे क्या इंक्रीज डिक्रीज होता है, कुछ देर रुक के हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जो एसी है वो कंट्रोल करता है इसके टेम्परेचर को, और यहाँ पर जो कूलिंग है वो प्रोवाइड करता है। तो कंप्रेसर जो है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑटो मोड। तो इसमें 1600 तक मैक्सिमम जा सकता है इसमें, 1600 से ऊपर तो अभी तक गया नहीं वोल्टेज, अगर जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑटो मोड। अब पढ़ते हैं आगे की तरफ, इसको हम कर देते हैं कूल मोड में। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सब कुछ लगभग चेक कर चुके हैं, तो हम अब चेक करते हैं ये कन्वर्टी i7 वाला फीचर जो होता है कि इस पे कितना पावर ये लेगा। ठीक है, तो कन्वर्टी i7 पे सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ 16 डिग्री सेल्सियस पे आप मैक्सिमम टेम्परेचर पे हम चेक करेंगे इसको। तो यहाँ पर हमने इसको प्रेस किया तो ये हो गया हाई कूलिंग मोड। अब देखते हैं हाई कूलिंग मोड पे हमारा जो एसी है वो कितना पावर कंज्यूम करता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो पावर वेरिएशन है वो लगभग उतना ही है। तो अभी 1400 के आसपास पहुंच गया है, देखते हैं कहां तक जाता है। हाई कूलिंग मोड पे जो एसी आपका 100% से ज़्यादा वर्क करता है, कुछ लोग कहते हैं कि 110% वर्क करता है, कुछ लोग कहते हैं 120% वर्क करता है। तो हम देखते हैं अगर 1600 के ऊपर जाएगा तो जान लीजिए 100% के ऊपर जा रहा है। ठीक है, 1600 से अगर ऊपर जाता है तो 100% के ऊपर जाएगा, लेकिन अभी तो ये 1500 के आसपास ही है। तो अभी 1600 के पार नहीं आ रहा है हाई कूलिंग मोड में भी, तो मुझे लगता है कि ये 100% के आसपास ही वर्क कर रहा है हाई कूलिंग मोड पे भी। उसके बाद हम करते हैं फुल कैपेसिटी मोड पे। फुल कैपेसिटी पे 100% जो कैपेसिटी है उस पर वर्क करता है। तो देखते हैं कम होता है कि ज़्यादा होता है या उसी पर रहता है। तो 100% कैपेसिटी पे जो एसी का वोल्टेज है, जो पावर ले रहा है ये, वो 1400 से 1500 के बीच में ले रहा है। और 100% के ऊपर अगर जा रहे हैं हाई कूलिंग वाली में तो 1500 से 1600 के बीच में ले रहा है। तो 100 वाट का माइनर सा डिफरेंस है फुल कैपेसिटी में और हाई कूलिंग में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 90% कैपेसिटी में, देखते हैं कितना डिफरेंस आएगा। तो मुझे लगता है कि वही अगर 10% का डिफरेंस होगा तो हाँ देखिए 1300 के आसपास ये आ गया है, 1200 नब्बे, तो वही लगभग 100 वाट से 150 वाट के बीच में यहाँ पर डिफरेंस आपको मिल जाता है। ठीक है,
लगभग 150 वाट का यहाँ डिफरेंस मिल जाता है 100% से 90% के बीच में। इसके बाद 80% पर जाते हैं, तो 80% पे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं कि कितना कम होता है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर भी 1106 हो गया है, तो लगभग 150 वाट जो है वो भी कम हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो 100 से 150 वाट का यहाँ पर डिफरेंस आपको मिल रहा है। तो 80% कैपेसिटी पे इसमें जो आपका एसी है वो रन कर रहा है, तो 80% कैपेसिटी पर अगर आप एसी चलाते हैं अपना, तो 1000 वाट के आसपास लेगा। अब देखते हैं आगे, अब 70% कैपेसिटी पर रन कर रहा है ये, अब 70% कैपेसिटी पे ये आ गया है 1000 वाट के नीचे। तो 900 से 1000 वाट के अंदर अगर आपके एसी को रन करना है, तो वो 70% कैपेसिटी पर रन करेगा। ठीक है, अच्छा, हम जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। 16 डिग्री सेल्सियस पे था, इसको हम बढ़ा के देखते हैं, इसको रख देते हैं 24 पे। ठीक है, अब देखते हैं क्या कम होता है इसका वोल्टेज। हम लोग एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा जो अपने बिजली का बिल है वो कम करना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट तो बनता है। हम लोग कंज्यूमर हैं, आम आदमी हैं, महंगाई तो बढ़ ही रही है, तो उसको कम करने के लिए थोड़ा सा बिजली का बिल जो है वो कम हो जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी डिफरेंस नहीं आया, यहाँ पर हमने टेम्परेचर जो है 24 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया, लेकिन उसमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, बल्कि यहाँ पर देख सकते हैं 900 से 1000 वाट के बीच ही ले रहा है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आपको नहीं मिलता। फिर हम चलते हैं 55% पे, अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। तब ये 900 के नीचे आ गया है, 800 के आसपास, 784, ठीक है, 784 के आसपास 55% पे ये वर्क कर रहा है, 55% पे ये 700 से 800 के बीच में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वही 100 से 150 वाट का डिफरेंस हो जाता है, क्या मतलब परसेंटेज में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 55% पे ये करीब 770 के आसपास यहाँ पर वोल्टेज ले रहा है, तो 700 के 800 बीच में आपका 55% पर रन करता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी जो लास्ट कैपेसिटी है सबसे कम, 40% पे, 40% पे देखते हैं कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर 15% का कैपेसिटी डिफरेंस है, तो देखते हैं कितना कम ये पावर लेता है। तो यहाँ 626 हो गया है, 601 तक आ गया है, क्या ये 500 के अंदर आ पाता है, देखते हैं 500 के अंदर देखते हैं आ पाता है या नहीं। तो नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हैं, 26 तक कर देते हैं, तो देखते हैं क्या कोई डिफरेंस आता है यहाँ पर। नहीं, तो अभी तक तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर आपके एसी 40% कैपेसिटी पर रन कर रहा है, तो वो 600 वाट के आसपास जो है बिजली कंजम्पशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको टेम्परेचर को 30 के आसपास कर देते हैं। ठीक है, 30 के आसपास करते हैं, तो देखते हैं क्या कोई डिफरेंस आता है यहाँ पर। ओ माय गॉड, इसका तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। 30 पे करने के बाद मुझे लगता है कंप्रेसर या तो बंद हो गया है, नहीं तो इतने लो पावर चलेगा नहीं। 105 वाट जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है 30 पे। ठीक है, 30 पे 105 के आसपास शो कर रहा है, क्या देखते हैं इससे कम जाता है, इससे बढ़ता है, कुछ देर रुक के देखते हैं, कुछ वॉच करते हैं इसको देख के। तो यहाँ पर 100 के नीचे आ गया है, तो क्या सिर्फ फैन चल रहा है इसमें 30 पे? हो सकता है कंप्रेसर जो है वो एकदम कम कर लिया हो अपने आप को, या फिर जो इस रूम का टेम्परेचर है एसी काफ़ी देर से चल रही है, तो इस रूम का टेम्परेचर 30 के आसपास पहुंच गया हो, तो जो कंप्रेसर है वो, तो जैसे आप देख सकते हैं कि इस समय जो पावर दिखा रही है वो फैन मोड की दिखा रही है, तो हो सकता है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर कंप्रेसर जो है बंद हो जाता हो। अब इसको हम थोड़ा सा एक पॉइंट कम करते हैं, 29 डिग्री सेल्सियस, तो क्या देखते हैं इसका
जो पावर वोल्टेज है वो बढ़ता है। तो नहीं, अभी तक तो नहीं बढ़ा। 40% कैपेसिटी पे हमने 29 डिग्री सेल्सियस पे इसको रन कराया, तो अभी भी जो वोल्टेज दिखा रहा है यहाँ पर 45%, तो सोचिए कितना कम कंज्यूम कर रहा है। आपका रूम भी हल्का हल्का ठंडा है और पावर भी बहुत ही कम ले रहा है। सोचिए एक जो कूलर हम चलाते हैं उससे भी कम पावर अभी कंज्यूम कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत ही अच्छी बात है अगर ऐसा काम करे ये 40% कैपेसिटी। तो जो कन्वर्टी i7 फीचर यहाँ पर दिया गया है वो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसका जो 40% कैपेसिटी है, चलिए एक और कम करते हैं इसको, ठीक है, 28 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। तो 28 पर किया हमने, तो हो सकता है कि कुछ वोल्टेज जो है बढ़े इसका, लेकिन नहीं, अभी कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा अभी। तो फिर 27 पर करते हैं, देखते हैं कुछ आता है। ट्वेंटी सेवन में भी नहीं शो कर रहा है ऐसा कुछ डिफरेंस, वही है लगभग। जैसे लग रहा है कि सिर्फ फैन चल रहा है, लेकिन ठंडक तो आ ही रही है, तो एसी वो ठंडा कर रहा है। अभी फैन जो है वो थोड़ा सा लो स्पीड में हो गया, अब फैन की पावर भी कम हो गई है। ये हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा कि 27 डिग्री सेल्सियस पे 40% कैपेसिटी पे आपका ये टेम्परेचर दिखा रहा है। ठीक है, तो अब इसको और कम करते हैं। अब आ गया 26 पे, तो 26 पे और 40 पे देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है। हाँ, 26 डिग्री सेल्सियस पे जो इसका कंप्रेसर है वो ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं 271 के आसपास पहुंच चुका है, 387, तो लगभग 600 वाट तक मुझे लगता है जाएगा। देखते हैं, 500 तक पहुंच गया है, 656, ठीक है, 700 के बाद नजर आया। हाँ, 730। तो क्या हुआ कि 40% कैपेसिटी 26 डिग्री सेल्सियस जैसे हमने रखा है, तो ये कंप्रेसर ऑन हो गया और अपनी स्पीड जो है पकड़ लिया, और ये 700 के से 800 के बीच में ये काम कर रहा है अभी। तो आपके रूम को जब उस टेम्परेचर के आसपास पहुंचा देगा, तो फिर इसे इसका जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने अलग अलग मोड्स में आपको दिखाया। अब ये कन्वर्टी i7 फीचर हम बंद कर देते हैं और ऐसे हम देखते हैं कि 26 डिग्री टेम्परेचर पर ये कितना वॉट लिया है। तो अभी उतना ही है, कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो इसको और कम करते हैं, 24 करते हैं, देखते हैं। तो इसकी फैन स्पीड तो अभी बढ़ गई है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है। 24 पे वोल्टेज बढ़ गया, 900 के आसपास पहुंच गया है, 1000 के आसपास पहुंच गया है इसका पावर कंजम्पशन। तो 1000 के आसपास इसका 24 डिग्री सेल्सियस पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको करते हैं 16 डिग्री सेल्सियस पे फिर से। तो देखते हैं कि कितना इंक्रीज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बाहर से आते हैं सोचते हैं 16 डिग्री सेल्सियस पे चलाएंगे तो बहुत तेजी से कूलिंग आएगी, तो देखते हैं कि कितना वॉट कंज्यूम करता है 16 डिग्री सेल्सियस पे। अभी तो 1043 के आसपास ही है, अभी तो ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है।
ग्रेजुअली बढ़ेगा, इतनी जल्दी सुकता ना बढ़ता हो। तो अभी तो 1043 के आसपास ही है। फिर से पावरफुल मोड ऑन करते हैं, हम देखते हैं फिर से कितना इंक्रीज होता है। तो दोस्तों अभी क्या है कि मैंने पावरफुल मोड पे भी इसको रखा है, तो अभी भी 1000 से 1100 वाट के बीच में ही वर्क कर रहा है। जब मैंने शुरुआत में चलाया था 1600 वाट के आसपास पहुंच गया था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो सकता है इसलिए हो रहा हो क्योंकि तब जो है एसी काफ़ी देर से बंद था, ठीक है। रूम जो है वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था, एकदम नॉर्मल कंडीशन में था। तो जब एसी शुरुआत में चलता है तो उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती, काफ़ी वोल्टेज कंज्यूम करता है, ठीक है। लेकिन जब वो कुछ देर चल जाता है, ठीक है, तो उसका जो क्वाइल्स हैं, इवेपोरेशन वाली क्वाइल हैं, वो ठंडी हो जाती है, तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए जो यहाँ पर आप वोल्टेज देख रहे हैं वो कम है, 1100 से 1200 वाट के बीच में आप देख सकते हैं पावरफुल मोड पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि जब आपका एसी शुरुआत में चलेगा वो तो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, उसके बाद जब आपका रूम ठंडा हो जाएगा तो उस पर लोड कम पड़ेगा और वो कम वाट जो है वो कंज्यूम करेगा। तो इन्वर्टर कंप्रेसर की यही खासियत है कि वो मतलब क्या होता है कि जब रूम का टेम्परेचर जैसे आपने 26 डिग्री सेल्सियस रखा वहाँ तक पहुँच गया वो, तो अपने आप को वो स्लो कर लेता है, धीमा कर लेता है, पावर कंजम्पशन कम कर देता है। नॉन इन्वर्टर कंप्रेशन में क्या होता था कि जब 26 डिग्री सेल्सियस मान लिया पहुंच गया तो वो बंद हो जाता था, ठीक है। फिर जब जैसे ही 1 डिग्री कम हुआ तो फिर वो चालू हो जाता था। बार बार चालू बंद होने से क्या होता है कि कंप्रेशर पे लोड ज़्यादा पड़ता है, पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इन्वर्टर कंप्रेसर की यही खूबी है कि वो धीमे धीमे चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, अपनी पावर को कम कर लेता है, ठीक है। तो ये है आपको मैंने दिखाया। अब इसको मैं 28 डिग्री सेल्सियस पे चेक करता हूँ। तो और आपको तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट टेम्परेचर कौन सा रहेगा आपको अपने रूम में रखने के लिए, जिससे कि आपको एसी भी ठंडा करे और आपको कंफर्ट भी फील हो और आपका जो बिजली का बिल है वो भी कम आए। तो मैंने इसको 28 डिग्री सेल्सियस पर रखा है, देखते हैं कि कितना पावर कंजम्पशन इसमें शो करता है। तो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है ये। तो 28 डिग्री सेल्सियस पे ये जो रन कर रहा है वो है करीब 600 वाट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, 28 पे। अब इसको कन्वर्टी आई सेवन पे हम इसको 40 डिग्री कन्वर्टी आई सेवन पे 40% पे रन कराते हैं, तो देखते हैं कि 28 डिग्री सेल्सियस पे कितना पर कंज्यूम करते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आपको अच्छी कूलिंग भी चाहिए, आपको हल्की हल्की कूलिंग भी चाहिए और आपका जो बिजली का बिल है वो भी कम आए, तो सबसे बढ़िया मोड है कि आप 40% पे आप अपना एसी चलाइए और 28 डिग्री सेल्सियस पर रखिए। बहुत ही नॉर्मल आपको कूलिंग मिल जाएगी, आपको कंफर्ट भी मिलेगा, ठीक है, और आपका जो बिजली का बिल है बहुत ही कम आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 110 वाट कंज्यूम कर रहा है, यानी कि एक 100 वाट का जो बल्ब हम जलाते थे उतना आपका एसी कंज्यूम करता है 40% पे। अब देखिए 45 वाट पे आ गया है, यानी कि एक पंखे के बराबर आप कूलिंग भी देगा, पंखे के बराबर आपका बिजली का कंजम्पशन भी होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया से इसका जो मोड है वो वर्क कर रहा है। तो आप अपना एसी जो है वो 40% पे और 28 डिग्री सेल्सियस पे रन करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एक पंखे से भी कम होगा, ठीक है। और अगर इसको 26 पे रख देते हैं आप, तो देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचता है ये। तो यहाँ पर देख रहे हैं 26 पे रखने के बावजूद भी
ये उतने पे ही है, और आप 24 के आगे मतलब 26 से 30 तक अपना जो टेम्परेचर है वो रख सकते हैं 40% मोड पे, और काफ़ी अच्छा आपको कूलिंग भी मिलेगा और आपका जो बिजली का बिल है बहुत ही कम आएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ पर जो पैनासोनिक का 2023 मॉडल है उसमें दिया गया है। तो ये मैंने आपको पावर कंजम्पशन इसका दिखाया, दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी ऐसे मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। काफ़ी सारी एसी इसका हम रिव्यू करेंगे, एसी के साथ साथ हम लोग फ्रिज का भी करेंगे कि कितना पावर कंज्यूम करता है अलग अलग इक्विपमेंट का, क्योंकि तो किसी इक्विपमेंट के बारे में जानना है कि वो कितना पावर कंज्यूम करता है, तो आप कमेंट में मैसेज करिए, मैं कोशिश करूँगा उस पर कोई वीडियो आए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।